2000 की पॉपुलेशन रखने वाला मेरा छोटा सा गांव, सबसे खूबसूरत, बहुत ही दिल के करीब, जहां पर मेरी बचपन की सारी यादें हैं। मेरे गांव का नाम फिलहाल मैं सीक्रेट रखूंगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं मेरे गांव का एक डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग बनाने वाला हूं, इंशाअल्लाह। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। मेरा गांव महाराष्ट्र की शान है। हमारे गांव में बहुत ही बड़ा 900 साल पुराना फोर्ट है। दरमियान राजा भोज के द्वारा बनाया गया ये फोर्ट आज भी शान और शौकत से खड़ा है। मेरे गाँव का अल्फांसो, जिसको हम हपूस भी कहते हैं, दुनिया का नंबर वन अल्फांसो है। दुनिया का कोई भी मैंगो हमारे गांव के मैंगो के बराबर मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे गांव के आगे कोई भी गांव नहीं है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत बातें हैं मेरे गांव के बारे में। रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं गांव में आया हूं, और आज ये मेरा फर्स्ट डे ही है, और मैं इवनिंग में जस्ट नीचे आया हूं बाज़ार पेट में। और ये बाज़ार पेट में यहाँ पे हमारे यहाँ पे बीच वगैरह भी है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बीच है। और उसके साथ में यहाँ पे लग के ये छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट है, जो फोर्ट है, और ये बहुत साल पहले बनाया गया था। एग्जैक्टली हिस्ट्री वगैरह मैं सब बताऊंगा, और इसका एक नया ब्लॉग बनाऊंगा ये फोर्ट के बारे में, क्योंकि ये जो फोर्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कम से कम 2 एकड़ या 3 एकड़ में शायद से बना है। अभी थोड़ी देर में ही सनसेट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ शौचालय वगैरह बना है। यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा कुछ काम है नहीं, यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं इस तरह से। और ये छोटा मोटा यहाँ पे बनाया है बैठने के लिए, और यहाँ पे छोटे शिप्स है, ये सब शिप्स खराब हो गए हैं, कुछ काम के नहीं। भाई साहब का भी एक गाँव में चैनल है, अकील खान बोल के, ये भाई वो शॉर्ट डालते। और ये हमारे अख्तर भाई है, जो कुर्ला खसाईवाड़ी में रहते हैं, जो आपने खसाईवाड़ी का ब्लॉग अगर आपने देखा है मेरा, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और ये भाई साहब उसी जगह पे रहते हैं। यार चेहरा तो दिखाओ भाई हमारे सब्सक्राइबर को। बच्चे लोग खेल रहे हैं, और बच्चे लोग है ना ये यहाँ पे ही रहते हैं। कैसे है तुम लोग बच्चे लोग, हाँ रोज यहाँ पे आके खेलते हो? हाँ शाम के वक्त में यहाँ पे आके मस्त सुबह के मजे ले रहे ना। तो चलिए अभी हम आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये गाँव है, मुझे पता है क्या चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी हम बीच के ऊपर उतरते हैं। एक्चुअली बॉम्बे में जो सनसेट का व्यू देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, और मेरे गांव में जो सनसेट का व्यू है बस पास में ही है, सिर्फ 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस। आप बीच पे आ जाओ, एन्जॉयमेंट करो, सामने ब्यूटीफुल जो आन बान शान जो है मेरे गाँव की, मैं गर्व से कह सकता हूँ ये किला है आन बान शान। ठीक है, ये बहुत बड़ा किला है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उस वक्त किए गए थे, तोप वगैरह भी है, हर एक चीज़ वहाँ पे है। तो इसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो मॉर्निंग के वक्त, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप, लेकिन गांव वाले कुछ करते नहीं है, ये सब बॉम्बे वाले को पड़ी है कि जॉगिंग करना है ना। और ये देखो समंदर पूरा क्लीन है, पूरा ये अरबी समंदर है, यहाँ से आप तैरते दुबई जा सकते हो। यहाँ से कुदी मारो और डायरेक्ट दुबई में बाहर निकलो बस। और ये पूरा बीच आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, पूरा क्लीन है। अकील भाई, अकील भाई कुछ बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये मेरा एक्चुअली है ना बचपन का दोस्त है हमारे, मैं ये मेरा चाचा का लड़का है, क्लासमेट है, और
बचपन से हम एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, बहुत सारी यादें हम दोनों की एक साथ की बहुत सारी है, बहुत सारी। एक्चुअली ना ऐसे ही मैं बना दिया, यहाँ पे हम ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कुछ घर बनाना। अरे बचपन में बहुत सारे हमने यहाँ पे खेले कूदे, ज़िंदगी हमारे यहाँ पे ही चली गई बचपन की। तो ये जस्ट मैं ऐसे ही बना दिया हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो मेरा गांव है वो आपको कैसा लगा। छोटा सा गांव है लेकिन मुझे बहुत प्यारा है, बहुत यानी बहुत, क्योंकि मेरी ये बचपन की यादें यहाँ पे है, हर एक चीज़ मेरा घर यहाँ पे है, सब कुछ। ये एक्चुअली ना ऊपर वॉच करने के लिए बनाया गया, क्योंकि लोग नहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी ऊपर रहता है, कोई ऐसा डूब रहा है या कुछ हो रहा है वो इमीजिएटली जाके उसको बचा सकता है। और यहाँ पे खेलने के लिए ऑप्शन बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है, आप विज़िट कर सकते हो। मैं एक बार बताऊंगा मैं आपको नाम इसका। तो ये ब्लॉग को मैं अभी यहीं कंप्लीट करता हूं, क्योंकि मुझे अभी ज़रा जाना है, बहुत अर्जेंट काम है ज़रा मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।